हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लॉट टू एल एम एफ एफ एंड सॉरी फॉर द नॉट अपलोडिंग टू थ्री डेज और मोर देन फोर डेज बिकॉज ऑफ द सम पर्सनल इश्यू में अपलोड नहीं किया चलो आज मैं फर्स्ट टाइम जिन ग्रे का टिप्स दे दूंगा एंड फर्स्ट टाइम प्ले भी करो अभी तक अनलॉक नहीं हुआ बट इसको अनलॉक करने के लिए आपको पैरेंट्स वेल्ट बॉस क्लियर करना पड़ेगा मैं फिस्टो गॉर एंड इन वन ऑफ द टफेस्ट वेल्ट बॉस बोलूंगा एंड जिन टू मोर टफ मतलब सबसे टफर्स्ट बोलूंगा तो जीन ग्रेस एंड चलो एंड एंड सबसे फेवरेट यूनिफॉर्म फेवरेट बोल सगळे वन ऑफ द फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट एंड सबका फ्री टू प्लेयर मस्ट बाय मस्ट हैव यूनिफॉर्म फॉर न्यू प्लेयर एव्हरी वन आयन मैन आयन मैन इज गोयन टू बी माय मेन डी डीपीएस अँड आलक बस्टर इज गोयन टू एंड स्ट्राइकर के लिए नॉर्मल सा स्ट्राइकर इंक्रीज़ डैमेज नॉर्मल सा ओके एंड चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें ओनली टीयर थ्री एंड ट्रांसलन कैरेक्टर चाहिए गैस। नो नॉर्मल टीयर टू कैरेक्टर वर्ल्ड बॉस और लेजर में यूज नहीं होगा एंड डार्क फिन टिप्स है ना इसमें दो टाइप ऑफ अंदर जाके पता चलूँगा नॉर्मल टिप्स बताऊँगा जब मैं खेल रहा हो ना उसमें क्या क्या अटैक है नॉर्मल से अटैक ऐसे डॉच करने का है उसको मैं टिप्स बता दूंगा ओके गाइस चलो एंड दिस इज द साइक्लोप्स साइक्लॉब दिस पावर ओके द स्टोरी इसका ना मतलब मैं बता देता हूँ जिन ग्रे है ना इसके पास अंदर एक डार्क पावर है डार्क डार्क पावर उसको बोलते हैं डार्क फिनिक्स उसको जाग गई तो दुनिया को मार देगी उसको स्टॉप करने के लिए साइक्लोप्स उसका लवर और सब लोग स्टॉप करेंगे ओके बीस्ट एक्समैन सब लोग उसको स्टॉप करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टॉप हर विथ आवर टीम आवर ओन टीम ओके okay, चलो एंड एयर कम टू जीन ग्रे लुक सो कूल एंड सो गुड गैस ऑसम है जीन ग्रे तो मस्त लग रही है एंड चलो मैं आयन मैन इसका अटैक ओ ओमेकॉन गोला फेंक रही है आग का गोला एंड इस अटैक को कभी भी पर्पल जैसा दिखेगा ना उससे बच के रहो ये देखो लाल कलर का एक रोड जैसा जाता है उससे भी बच के जाओ एंड लाल कलर का गोला फेंक रही है एंड क्या कुछ अटैक कर रही है ओमेकॉन ऊपर से एक बीम फेंक रही है आग फेंक रही एंड ओमेकॉन इसमें भी बच के रहने का थोड़ा बाजू में जाओ नोन नो नो मेरा आयन मैन एक ही झटके में गया गैस लिटरली मैं एक मिनट रुको रुको आई कान बिलीव मेरा आयमन गया इसीलिए गाइस देखो वापस एक गोला से बच के रहने का एंड मेरा अल्पचर का हाफ एच पी गया मैं ट्रांसलेंस के लिए उस किया मैं अंदर अंधाधुंधी उसको लेकिन गाइस मैं रिट्राई करूँगा वापस खेलूँगा गाइस यस आप देखे रहेंगे ना बहुत हाईएस्ट टफ बोलूँगा मेरे पास अभी तक फिफ्टी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो पीयर्स नहीं है बट मेरे पास सोलह परसेंट पीएर्स है सोलह परसेंट पीयर्स भी स्टेज ओन क्लियर करने के लिए फर्स्ट टाइम खेला आते ही आउट हो गया ओके मैं इस बार टीम चेंज कर रहा हूँ सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ हल्क दे रहा हूँ बिकॉज हल्क की सर्वाइबिलिटी हल्क कुछ ज़्यादा ही सर्वाइव कर सकता है उसके लिए एंड अगैन फर्स्ट टाइम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता तो मैं डॉच करने के लिए कोशिश किया एंड चलो उसके इस बार मैं डैमेज करूँगा स्केल मैं थ्री फोर फाइव ओ गॉड मैं आई फ्रेम में था फिर भी मेरा हाफ एच पी गया एंड oh कुछ डैमेज तो उसको हुआ नहीं गया अभी तक चलो वापस स्किल नंबर थ्री फोर कैंसिल फाइव एंड थोड़ा डैमेज हुआ फिर चार बार पांच बार गया है इस पास एंड थोड़ा मैं डॉच थोड़ा साइड में चला जाता हूँ एंड पीछे से अटैक करता हूँ एंड टीयर थ्री स्केल ओमेगॉड oh इससे मैं मर गया था नो 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 यस 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 मेरा डैम मेरा डैमेज तो कुछ ज़्यादा मुझे भी डैमेज हुआ लेकिन उसका थर्टी बार तक आ गया एंड चलो इस जितना भी अटैक आ रहा है ना नॉर्मली आप बचने के लिए कोशिश करो जितना हो होके okay. एंड आई फ्रोम मेरे का तो ठीक टाक है लेकिन कभी कभी आई फ्रोम को भी तोड़ देती है लाइक मैं पहले आ रहा ना उसे एंड एयर कम्स से उसका डार्क पावर ये फेस में आएगा ना नॉर्मली बार में आ जाता है तो ये फेस से ज्यादा बजने का ये देखो करते रहने का डॉच करते रहने का ये देखो गोला फेंकेगी और तीन गोला एंड वापस तीन गोला फेंकेगी आई थिंक सो ओमेकॉन ये देखो बवंडर आग का बॉबंडर आ रहा है इससे सबसे बचने का कैसे एक भी एक में भी बच गए ना नहीं बचे ना आपका कैरेक्टर एक ही झटके में मर जाएगा ये देखो इक्की के अभी तक तो नहीं मारा मैं डॉच कर रहा हूँ यही इजीली आप भी कह सकते हो ओमेगा इससे भी बचने का उसके बाद और एक माइंड गेम आएगा तो ये देखो फेस अटैक में भी बचने का ओमेगा तो कोई इसको भी हाँ बचने का भी है मारने का भी है कभी कभी ऑफेंस भी करने का डिफेंस भी करने का अभी मैं डिफेंस भी कर रहा हूँ ऑफेंस भी कर उसको मारता भी हूँ बचता भी हूँ तो दोनों इक्की टाइम पे करना है का होकेगा ये समझ लो एंडर वी को देखो अभी अभी देखो दिस इज द माइंडलेस जोन मतलब हमारा हीरो को डार्क फिनिश है ना हमारा हीरो को मारने के लिए कोशिश कर तो इस दोनों को बैलेंस करने का है देखो स्ट्रॉ भी चाहिए ए भी चाहिए और अटैक से भी बचने का ये देखो आग का गोला भी आ रहा है मेरा अलब अल्पस्टर अल्कबस्टर उधर भी जाने का ज़्यादा उधर भी नहीं जाने का इधर भी नहीं जाने का लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट और ये देखो मैकेनिक से देखोग देखो किस में भी थोड़ा आगे नहीं जाने का थोड़ा लाइन लाइनिंग आ रहा है पर्पल लाइनिंग ओ गॉड देखो मैं थोड़ा 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 बच रहा हूँ एंड ओ गॉड लिटरली बच गया था लेकिन रिमेंबर यू आर नॉट अलोन ओके प्रोफेसर के भी बता रहे यू आर नॉट अलोन उसको माइंड मेरा माइंड को तोड़ने वाली थी लेकिन उससे मैं डॉच किया ओके okay, अभी मैं हल्क से मारना मारता हूँ एंड आइन हल्क से शिफ्टिंग ओके आइन मन आइन मेन इज माई मेन डी पी एस गैस आइन मेन इज ऑन ऑन बेस्ट डी पी एस बोलूंगा एंड हल्क इज फॉर पी वी पी पी वी के लिए भी थोड़ा ठीक ठाक है ओके okay, अभी इसको मैं डैमेज देने का अभी देखो ऊपर लाल कलर का बार है ना ज़्यादा आएगा तो वापस माइंडलेस जोन में चला जाऊंगा तो वापस वही टेक्निक यूज़ करने का डॉच करने का एक एक अटैक हो एंड ईयर को लास्ट फेज तो लास्ट फेज में आ गई ना वापस ये कुछ अटैक करेगी आई थिंक सो एंड चलो क्या करने वाली है मुझे मालूम नहीं है इसमें अभी पहले बार खेल लो एंड चलो ये नया अटैक है लास्ट थर्टीन बार के मैं ओमेगॉन ये देखो इसमें फास्ट पास आएगा, फास्ट आएगा हम लोग फास्ट फास्ट डॉज भी करना पड़ेगा देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट उसके बाद ओके लास्ट लास्ट में एक सर्कल आएगा फिर उसके बाद अटैक कर सकते बस इतना ही का बहुत सिंपल सा है यस तो दो, दो तीन बार ट्राई करेंगे ना ओमेगॉन मेरा आयन वन स्टक हो रहा है तो इससे डॉच करना पड़ेगा और मेरा आयन वन मरेगा नहीं डॉच किया यस ऐसे डॉच करके डॉच करके अटैक भी करना पड़ेगा एंड थोड़ा सिम सिंपल ही बोलूंगा ट्राई ट्राई ड्रोन क्राई जितना बार आप ट्राई करेंगे उतना अच्छा है बट इसमें एक ही कंप्लेंट है मैं तो क्लियर कर लिया मैं फर्स्ट क्लियर बोलूंगा बट एक ही कंप्लेंट है इसमें रिवॉर्ड इज़ नॉट सो गुड यस रिवॉर्ड इज़ लाइक फिनिक्स पैदर मिल रहा है ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा ब्लैक एंड वाइट केयर नॉट सो यूजफुल होगा बट मेरा टिप्स आपको पसंद आएगा तो लाइक करो शेयर करो एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँगा एंड चलो मैं इसका स्टोरी लाइन एंडिंग कर लेता हूँ एंड चलो इसमें क्या हाँ ओके फाइनली जीन इसको वो जीन ग्रे को मार दिया तो प्रोफेसर लोग हम लोग स्टॉप कर दिए ना तो फाइनली अभी हम लोग ज़्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ नेटवर्क में लाएगा लेकिन नेक्स्ट ईयर का तो हैप्पी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो थैंक यू फॉर वॉचिंग